उत्तराखंड के हल्द्वानी में नाले में दो कार और एक ऑटो बही, कार सवार ने मुश्किल से बचाई जान। तेज बहाव में 6 साल का एक मासूम भी बह गया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। दिल्ली के यमुना नदी का जलस्तर करीब 206 मीटर दर्ज किया गया। निचले इलाकों में रहने वालों को रेस्क्यू कर सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया गया। हरियाणा के पानीपत में 2 दिनों से यमुना खतरे के निशान के ऊपर, रहीमपुर खेड़ी गांव से संपर्क कटा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। गंगा बैराज पर पुलिस की तैनाती, प्रशासन अलर्ट पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी पड़ सकते हैं अगले 24 घंटे। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। डीएम के आदेश पर आज लखनऊ में बंद रहेंगे 12वीं तक के स्कूल। वाराणसी में 84 घाटों का आपसी संपर्क। यूपी के गोरखपुर में लगातार बारिश से राप्ती और घाघरा नदियों में जलस्तर बढ़ा। तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में। करीब 50 घरों के लोग सड़क पर रहने को मजबूर। उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शहर में निचले इलाकों में रहने वालों की परेशानी बढ़ी। घर में घुसा पानी। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा। जल भराव की वजह से कई जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिहार के पटना में बारिश से व्यवस्थाओं की पोल खुलने के बाद सड़क पर उतरे जिम्मेदार लोग। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा और मेयर सीता साहू ने लिया शहर का जायजा। बिहार के रोहतास में बारिश के बाद बाढ़ में 3 लोगों की मौत। 16 किलोमीटर सड़क पानी में डूबी। रोहतास के दर्जनों गांव में पानी लोगों के जीवन के लिए बना मुसीबत। असम के गोलपारा में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत। खेत में काम करते वक्त गिरी थी बिजली। राजस्थान के भरतपुर में आफत में पड़ी मासूम की जान। खेल खेल में घड़े में फंसा बच्चे का सिर। घंटों की मशक्कत के बाद जान बची। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर खुदकुशी की कोशिश की एक वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। रेल कर्मियों ने देखा, सुरक्षा कर्मियों की मदद से उसे ट्रैक से हटाया गया। पंजाब के दीनानगर में खेतों को पानी लगाने को लेकर 2 पक्षों में आपसी टकराव। एक ने दूसरे पक्ष की महिला पर फावड़े और डंडे के साथ किया वार। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नगरपालिका अध्यक्ष ने सुलभ शौचालय में घुसकर यहां तैनात कर्मचारी की पिटाई कर दी। अवैध वसूली बंद करने पर नगरपालिका अध्यक्ष ने की पिटाई। राजस्थान के बाड़मेर में रफीक नाम के शख्स पर अश्लील फोटो के जरिए एक लड़की को ब्लैकमेल करने का आरोप। लोगों ने की आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। खुलासे के बाद कई संगठनों ने हंगामा किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन के शीर्ष सागर स्टेडियम में कुश्ती के दंगल के दौरान हंगामा। दंगल देखने आए 2 गुटों के बीच झगड़े के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। काबू करने के लिए पुलिस को बेहद मशक्कत करनी पड़ी। झारखंड के रामगढ़ में टला बड़ा हादसा। 3 गाड़ियों की टक्कर के बाद पलटा गैस टैंकर। हादसे में एक शख्स की मौत। भारी मशक्कत के बाद टैंकर से रोका गया गैस रिसाव। यूपी के बरेली के सरकारी प्राथमिक स्कूल के टीचर ने महिला शिक्षक के साथ की मारपीट और गाली गलौज। वारदात का वीडियो वायरल। पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी को निलंबित किया गया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़। कल पुणे में मराठा क्रांति मोर्चा का हिंसक प्रदर्शन। हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाया गया। महाराष्ट्र के पुणे के चाकड़ इलाके में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया हमला। 20 से ज्यादा बसों में आगजनी और तोड़फोड़। मांग नहीं मानने पर आंदोलन और तेज करने की चेतावनी। महाराष्ट्र के हिंगोली, चंद्रपुर, सतारा में भी मराठा आरक्षण आंदोलन का हुआ असर। मराठा समाज ओबीसी के कोटे में 16% आरक्षण की मांग कर रहा है। मराठा क्रांति मोर्चा का फडणवीस सरकार को अल्टीमेटम। 9 अगस्त को मुंबई में बड़ी रैली करने का ऐलान। असम में एनआरसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के फाइनल ड्राफ्ट पर बवाल। असम में एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट में 40 लाख लोग बाहर। गृह मंत्री ने कहा लिस्ट अभी फाइनल नहीं। संसद में भी हुआ हंगामा। असम नागरिकता मामले में संसद में तृणमूल का हंगामा। आज गृह मंत्री से मिलेंगी ममता बनर्जी। कांग्रेस का मामले में सर्वदलीय बैठक की मांग। कांग्रेस विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। मिशन 2019 के लिए ममता बनर्जी ने दिल्ली में डाला डेरा। फेडरल फ्रंट बनाने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाने के दिए संकेत। जल्द सोनिया गांधी से करेंगी मुलाकात। दिल्ली में आज होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह करेंगे शिरकत। 3 तलाक, ओबीसी और दलित मुद्दों पर बन सकती है रणनीति। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली को पुलिस ने इजाजत देने से किया इनकार। 11 अगस्त को रानी रसमणी एवेन्यू में रैली प्रस्तावित। कोलकाता पुलिस का बयान, बीजेपी की तरफ से रैली के लिए अब तक आधिकारिक इजाजत नहीं मांगी गई, इसलिए इनकार का कोई सवाल नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने तहरीके इंसाफ पार्टी के चेयरपर्सन इमरान खान से फोन पर की बात। पाकिस्तान आम चुनाव में जीत पर दी बधाई। कहा पाकिस्तान में लोकतंत्र होगा मजबूत। लोकसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट बिल 2018। 12 साल से कम उम्र की लड़की से रेप पर फांसी की सजा का प्रावधान। अब राज्यसभा में भेजा जाएगा बिल।
लालू परिवार के सामने एक और मुश्किल, IRCTC घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी को सम्मन, 31 अगस्त को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने का आदेश। बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चों से यौन शोषण के आरोपी ब्रजेश ठाकुर की एक और संस्था को लेकर नया खुलासा, स्वधारा संस्था से 11 महिलाएं लापता। बिहार के मुजफ्फरपुर कांड के खिलाफ दिल्ली से लेकर पटना तक प्रदर्शन, बिहार भवन के सामने दिल्ली में पूर्व सांसद अली अनवर की अगुवाई में प्रोटेस्ट। बिहार में नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतनमान, मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने बिहार सरकार के पक्ष में फैसला आने की उम्मीद जताई। बिहार के पटना में सूखे की समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री लेंगे अहम बैठक, तमाम आला अधिकारी होंगे शामिल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे जिला अधिकारी। आज लखनऊ में होगी योगी कैबिनेट की बैठक, इसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से जुड़ी तैयारियों को लेकर राज्यपाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में भी शामिल होंगे सीएम। उत्तराखंड के देहरादून में प्रदेश कांग्रेस के बाद आज NSUI करेगी सीएम आवास का सामने प्रदर्शन, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने की मांग। झारखंड के रांची में मुख्यमंत्री जन संवाद कार्यक्रम आज, जिलावार शिकायतों की होगी समीक्षा, सुंदर पहाड़ी के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलेंगे सीएम। बिहार के 18 लाख विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर खड़े हुए सवाल, अब तक न स्नातक के स्टूडेंट्स को मिला एडमिशन, न ही इंटर के बच्चों का दाखिला लिया गया। लाइव डिबेट में मारपीट करने वाले मौलाना कासमी की बड़ी मुश्किलें, दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने का एक और केस दर्ज, 1 अगस्त को होगी जमानत पर सुनवाई। हरियाणा के पंचकुला हिंसा मामले में सबूतों के अभाव में सभी आरोपी बरी, हरियाणा SIT को बड़ा झटका, ज्ञानी राम सांगा सिंह, होशियार सिंह, रवि तरसेम और रामकिशन को बनाया था आरोपी। मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की पहल, 2013 के चुनावों में 50% से कम वोटिंग वाले क्षेत्रों की लिस्ट बनाने के निर्देश, 7 दिनों में देनी होगी रिपोर्ट। बिहार के पटना के IGIMS में कामयाब रहा पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन, खगड़िया के विजय को डॉक्टरों ने दी जिंदगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कैशमैन लूट मामले में एक संदिग्ध का स्केच और एक संदिग्ध का फोटो जारी, बदमाशों की गोलीबारी में एक सिक्योरिटी गार्ड की हुई थी मौत, अखिलेश ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ अपराधी, ग्लोकल अस्पताल के कर्मचारी को मारी गोली, हालत गंभीर, परिजनों ने BJP नेता पर लगाया आरोप। यूपी के कौशाम्बी में प्रेमी के साथ मिलने पर पिता ने भीड़ के साथ मिलकर बेटी को मौत के घाट उतारा, प्रेमी को किया घायल, आरोपी पिता गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पैसों के लिए पिता की शर्मसार करने वाली हरकत, 12 साल की बच्ची का 30 साल के युवा से कराया विवाह, नाबालिग लड़की की मां की शिकायत पर आरोपी पिता और दूल्हे समेत 3 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 7 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले की सुनवाई शुरू, 5 दिन तक लगातार चलेगा ट्रायल, आसिफ और इरफान नाम के शख्स पर गैंगरेप का आरोप। यूपी के झांसी से अगवा नाबालिग के साथ 14 दिन गैंगरेप के बाद घर के पास फेंका गया, 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस अधिकारियों ने मऊरानीपुर पुलिस को कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 5 नशीली दवा तस्कर गिरफ्तार, 40,000 से ज्यादा प्रतिबंधित दवाइयां भी जब्त की गई। हैदराबाद में ACB ने प्रवीण चंद्रा को गिरफ्तार किया, 2 लाख रिश्वत लेने का आरोप। राजस्थान के उदयपुर की गोंगुदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चंदन तस्कर गैंग के 7 सदस्यों को किया गिरफ्तार, आरोपी से जब्त की गई चंदन की लकड़ियां। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में स्कूली बच्चों से भरा ऑटो पलटा, हादसे में 11 बच्चे जख्मी, सभी की हालत गंभीर, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 बसों की टक्कर से हादसा, 22 लोग हुए जख्मी, घायलों को MY हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला गार्ड ने व्यक्ति को पीटा, अस्पताल के लेबर रूम में बिना इजाजत के घुस गया था। हैदराबाद में बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी, युवक की मौके पर मौत। ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ शिकायतों पर सरकार सख्त, मानसून सत्र के बाद सरकार लाएगी नए नियम, 2 हफ्ते में देना होगा खराब सामान का रिफंड। RBI की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिनों की बैठक, ब्याज दरों पर 1 अगस्त को आएगा फैसला। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच कल से एजबेस्टिन में होगा, मैच में पहली गेंद के साथ ही 1000वां टेस्ट खेलने वाली पहली टीम बन जाएगी इंग्लैंड। विराट कोहली अगर इंग्लैंड में हिट हुए तो ICC के नंबर 1 बल्लेबाज बन सकते हैं, 5 मैचों की श्रृंखला में नंबर 1 बैट्समैन बनने का मौका। बर्मिंघम टेस्ट के लिए टीम इंडिया तैयार, कोच रवि शास्त्री बोले दूसरे देशों में बेहतरीन खेलने वाली टीम है भारत। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग, 30,000 एकड़ से ज्यादा का जंगल जलकर खाक। शुक्रवार से लगी है कैलिफोर्निया के मैंडोकिनो काउंटी में आग, अब तक 10,000 लोगों को हटाया गया।
चीन की राजधानी बीजिंग में हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे से पहले हेलीकॉप्टर को खाली कराकर की गया पायलट, चार क्रू मेंबर्स को मामूली चोटें।